अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी इतनी जंगलियों वाली हालत क्यों हुई है, तो ज़रा एक सेकंड के लिए सुन लें कि मेरा वीकेंड कैसा गुजरा है। माइक चल रहा है, बात मिस ना हो जाए। हाँ चल रहा है। क्या हाल है ब्रो? तो मेरा सीन ये था कि मुझे पूरी रात फ्राइडे को एडिट करनी थी एक वीडियो, पूरी रात जाग के, जो मुझे सैटरडे को रिलीज करनी थी हर हाल में। और सैटरडे की सुबह से लेकर रात तक मैंगोबाज वाले मेरे घर पे आ रहे थे शूट करने के लिए, वो भी थी। फिर सैटरडे की रात को डिनर था फैमिली के साथ, बड़ा एक हैवी सा। उसके बाद संडे को सुबह सुबह 8 बजे मुझे किसी दोस्त से मिलने जाना था, और फिर 10 बजे मुझे एक मीटअप पे जाना था, और फिर 6 बजे मुझे एक और दोस्त से मिलने जाना था, और फिर मुझे रात को एक और डिनर पे घर पे होना था। तो ये होनी थी मेरी कहानी वीकेंड की। चलो भाई कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू कुछ यहाँ होती है कि फ्राइडे को मैंने 11 बजे एडिटिंग शुरू की, और मेरा प्लान था कि यार 6 बजे तक तेरी एडिटिंग खत्म हो जाएगी, तो 6 से 11 सोना, सुबह के 11 बजे मैंगोबाज के वाले लगाओ, 11 बजे मैंगोबाज वालों ने शूट करना है, तो हमारी 5 घंटे की नींद हो जाएगी, तो सीन ऑन है, गुड है, 5 घंटे बहुत है। लेकिन जब 3 बजे तक मैं एडिट कर रहा था, तो मुझे ख्याल आया कि भाई ये 6 बजे तक खत्म नहीं होनी, और वो 6 बजे तक खत्म नहीं हुई, वो 9 बज गए और वो खत्म नहीं हुई, और 9 बज गए मेरी आंख लग गई। 11 बजे मेरी आंख खुलती है जब हसान मैंगोबाज के मेरे घर पे आते हैं, मुझे उठाते हैं कि ब्रो शूट है शूट है शूट है, और मुझे ख्याल आया कि शिट वीडियो बनी भी नहीं है, और रिलीज आज हर सूरत में करनी है, बिकॉज मैंने 2 दिन उसके बारे में प्रमोशन थोड़ी सी कर दी थी, और मैं अपने स्केड्यूल का भाई पक्का है तो निकालनी तो आज, और शूट भी शुरू होने वाली है अब। तो रास्ता मैंने निकाला कि मैंने शूट और जो एडिट मेरा रह गया था, मैंने वो साथ साथ किया। वहां मैं एक्टिंग करता था, वहां मैं एडिट करता था। एक्टिंग से ब्रेक मिली, एडिट, एडिट से ब्रेक मिली, एक्टिंग, एडिट, एक्टिंग, एडिट, एक्टिंग, एडिट, एक्टिंग, एडिट, एक्टिंग, एडिट, एक्टिंग, एडिट, करते करते इवेंचुअली मेरी 5:30 बजे तक एडिट तैयार हो गया, और मैंने वो 6 बजे वीडियो निकाल, 9 बजे तक मैंने शूट किया मैंगोबाज की। जब शूट मेरी खत्म हुई, तो मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे लग रहा था कि आज मैं इवेपोरेट कर जाऊंगा। फिर खाने का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, और डिनर में काबुली पुलाव, अफगानी टिक्के और मलाई बोटी, मतलब ऐसी चीजें कि अगर इंसान 15 दिन भी सोकर उठा हुआ हो ना, तो उसको नींद आ जाए वो खा के। तो मैंने वो सब खाया, और उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई है, उफ, मैं ऐसा सोया हूँ भाई, ऐसा सोया हूँ कि सुबह जब मुझे जिससे मिलने 8 बजे जाना था, उससे मैं 8 बजे नहीं गया, बिकॉज मेरी 10 बजे आँख खुली, और 10 बजे मुझे मीटअप पे जाना था, तो वो भी उसके लिए भी लेट हो गया। खैर भाई हालत खराब, परेशानी के यार, वो भी रह गया, वो भी रह रहा है, क्या करूँ। इवेंचुअली मैं घर से भागा तैयार होके, जिससे मिलना था उससे मिला, उसके बाद मीटअप के लिए भागा, 11:45 तक मैं मीटअप पे पहुंचा, उसके बाद मुझे जो दोस्त से मिलना था उस दोस्त से मिलने गया, और फिर जब मैं घर वापस आया, तो मेरी अगेन वो हालत थी कि मैं ऑपरेट कर जाऊंगा, इससे बेहतर एग्जांपल मेरे पास नहीं आया, तो मैंने फिर से वही बोल दिया। क्योंकि यार हालांकि मैं सो के उठा हुआ था, लेकिन सही तरह नींद मेरी पक्की नहीं हुई थी ना, तो इंसान इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होता, तो मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल नींद आ रही थी घर आगे। लेकिन पहले तो डिनर था घर पे, तो डिनर के लिए बैठे, और भला डिनर में क्या था, बंस रोड की मलक की निहारी। और बंस रोड की मलक की निहारी भी एक ऐसी चीज है, अगर इंसान भी 15 दिन सो के उठ के आया और वो खा ले, तो उसको नींद आती ही आती आती आती। खाई मैंने, उसके बाद मेरा एक काम रह गया था, वो मुझे काम करना था, वो मैं काम करने बैठा, सुस्ती, फुल सुस्ती में मैंने वो काम किया। काम करते करते मुझे 1:30 बज गया, 1:30 बजे मैं सोया हूँ, और ये 3 दिन वर्थ ऑफ वाइल्डनेस ये आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, इसलिए ये हालत है। तो अगर आप सोच रहे थे, तो ये है आपके लिए जवाब। अगर आप नहीं सोच रहे थे, तो कोई मसला नहीं है, शायद आपको मेरी फिक्र नहीं है, इट्स ओके। बट इन एनी केस, तखलिया।